हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सुजाता। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा हॉल लेके आई हूँ। इस हॉल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीसो साड़ी हॉल। और ये जो साड़ियाँ हैं दोस्तों, आई थिंक आपको 300 या 350 रुपये की रेंज पे ये सारी साड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। बहुत ही सुंदर साड़ी है, डिज़ाइनर साड़ियाँ हैं और काफ़ी चीप प्राइस में। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि होता है कि ज़्यादा महंगी साड़ी लो तो हम उसे ज़्यादा दिन तो पहन नहीं पाते। बस एक फ़ोटो हमने इंस्टाग्राम में या अपनी प्रोफाइल में अपडेट कर लिया, उसके बाद तो भैया सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके साथ हम कोई पिक्चर्स क्लिक कर पाएँ। तो सस्ती साड़ियाँ लो और उसे एक बार पहनो चाहे दो बार पहनो, बस। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों आज का ये हॉल। तो जो पहली साड़ी है दोस्तों, वो है डार्क मजेंटा कलर की। बहुत ही सुंदर साड़ी है, सिल्क में साड़ी है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। कि आप मोटे हो या आपको फुली फुली साड़ियाँ नहीं चाहिए तो आप इस साड़ी के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। मजेंटा कलर है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शन थे तो आप देख सकते हैं मजेंटा कलर है। बट ये हल्का सा तीन शेड इसमें है, शेडेड साड़ी यह है। आप मजेंटा के साथ हल्का सा पीच है, फिर पर्पल है, इस तरीका का शेड है। और इसमें आपको मिल जाएंगी इस तरीके के गोल्डन कलर के प्रिंट। पूरी साड़ी में आपको ये गोल्डन प्रिंट मिलेगा दोस्तों। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। और इसका मैं ब्लाउज पीस दिखाऊं आपको, ब्लाउज पीस मिलेगा जस्ट अपोजिट स्काई ब्लू कलर में। इसका फैब्रिक भी सेम है, सॉफ्ट में है, तो आप ब्लाउज को डेफिनेटली बना सकते हैं। अक्सर जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं उनके ब्लाउज मतलब अब 4-5 बार पहनो तो यहाँ से धंसने लगते हैं, क्योंकि उसके फैब्रिक की वजह से। साड़ियाँ तो हम इतनी नहीं धंसती क्योंकि वो इतना खिंचाव नहीं होता उसमें, बट इसको अगर आप बनाओगे ना तो ये धंसने वाले में से नहीं है। और इसका मैं आपको पल्ला दिखाऊं दोस्तों कि किस तरीके से इसका पल्ला है। पल्ला आपको इस तरीके का मिलेगा और इसमें लगे हैं टेसल्स, और टेसल से साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो डेफिनेटली आप इस साड़ी को बाय कर सकते हो दोस्तों। तो ये जो भी साड़ियाँ होंगी इनके प्राइस मैं लगा दूंगी, इनके पिक्चर्स भी लगा दूंगी। और जो नेक्स्ट साड़ी है दोस्तों, वो मैंने बाय करी है, ये डार्क ग्रीन कलर की साड़ी। ये आर्ट सिल्क में है साड़ी। ये देखिए, इस तरीके का इसका सिल्क का फैब्रिक है। बट साड़ी पहन के बहुत अच्छी लग रही थी, उसके अकॉर्डिंग चीप प्राइस में ये साड़ी है। और इसके नीचे आपको मिलेगा इस तरीके का बॉर्डर, बहुत ही सुंदर बॉर्डर है इसमें, मतलब बर्ड्स वगैरह बनी है। गोल्डन कलर की पूरा बॉर्डर आपको मिलेगा, हैवी बॉर्डर मिलेगा। साड़ी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये साड़ी। और काफ़ी डिफरेंट साड़ियाँ, नहीं तो एक तरीके की बनारसी में डॉट डॉट वाले पैटर्न्स चलते हैं या बीच में प्लेन चलती है, इसी तरीके की चलती है। बट ये काफ़ी डिफरेंट साड़ी थी और काफ़ी सस्ते में हमें ये साड़ी मिल गई थी। इस तरीके के देख सकते हैं, आपको पूरा नीचे से बॉर्डर मिलेगा। एंड ये है इसका पल्ला, पल्ला भी बहुत सुंदर है। और पीछे से ऐसा कुछ भी नहीं है कि होता है कि बैंगल्स वगैरह चुभे, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी नीट एंड क्लीन इसमें वर्क हो रखा है। और इसके बात करते हैं दोस्तों ब्लाउज की, इस तरीके का इन्होंने कंट्रास्ट में मेहरून कलर का ब्लाउज दिया गया है इसके साथ। इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, साड़ी की लेंथ भी बहुत अच्छी है। जितनी भी साड़ी है लेंथ वाइज बहुत ही अच्छी साड़ियाँ हैं दोस्तों ये। देन मैंने बाय करी है दोस्तों एक येलो कलर की साड़ी। इस साड़ी का जो फैब्रिक है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब आपसे कितनी बार भी मुझे लगता है वॉश करोगे तो ये बिल्कुल भी इसका फैब्रिक ख़राब होने वालों में से नहीं है। क्योंकि इस तरीके की साड़ी के फैब्रिक मतलब साड़ियाँ मेरे पास भी थी। तो इस तरीके की पूरी प्लेन येलो कलर की साड़ी है और बीच में ये हल्का सा लाइट येलो और डार्क येलो का है। ऊपर से आप इसमें पैरेट कलर मिल जाएगा, तो इसके साथ आप पैरेट कलर का ब्लाउज पहनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और इसका मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, पूरा व्यू तो आपको फोटो में मिल जाएगा, बगल में वीडियोस में मिल जाएगा। और ये है इसका पल्ला, हल्का सा वाइट कंट्रास्ट इन्होंने दिया गया पल्ले में डिफाइन करने के लिए इसको। और इसमें लगे हैं दोस्तों टेसल्स, ये देखिए इस तरीके के टेसल्स लगे हुए इसमें। और मैं आपको इसका ब्लाउज पीस दिखाऊं तो ब्लाउज पीस इसका कुछ इस तरीके का है। ये देखिए वाइट शेड है, बट ये हल्का सा मुझे यहाँ पे से डर्टी डर्टी सा मिला। बट वैसे भी मैंने इसका ब्लाउज पीस तो सिलाना नहीं है, मुझे इसके साथ ग्रीन कलर, जब भी आप बनाओ तो ग्रीन कलर ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। साड़ी बहुत ही सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है कि फूलेगी नहीं ये साड़ी। नेक्स्ट जो साड़ी है दोस्तों, वो मैंने बाय करी है डार्क ग्रीन कलर की। ये भी सिल्क में है और फैब्रिक इसका बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। जिस हिसाब से इसका प्राइस था साड़ी का, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शन थे तो आप देख सकते हैं जो भी कलर आपको चाहिए। ऊपर से आपको मिलेगा इस तरीके का बॉर्डर और उसमें आपको मिलेगी समोसे वाली लेस। ये देखिए
बहुत सुंदर साड़ी है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मुझे लग नहीं रहा था इसका फैब्रिक इतना अच्छा होगा जिस हिसाब से इसका प्राइस है। और इसका मैं आपको पल्ला दिखाऊं पहले, ये देखिए ये इसका पल्ला है, प्लेन ऐसा कोई पल्ला नहीं है, बस ये बॉर्डर है साइड से। और इसका ब्लाउज बहुत सुंदर है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके का ब्लाउज है, ये किसी भी आपके और साड़ी के साथ चल जाएगा। ये स्टिच है और ऊपर से जो इसका फैब्रिक है ना वो बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इस ब्लाउज का, तो डेफिनेटली आप इस साड़ी को बाय कर सकते हैं। तो जल्दी जो मैंने साड़ी पहनी है इसका भी हॉल आने वाला है, तो ये भी आप बने रहिए मेरे साथ। ये भी बहुत सुंदर साड़ी है जो मैंने इस टाइम पे पहनी, ये भी मीशो का हॉल है, तो जल्दी ये भी आपके सामने लेके आऊंगी। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको मेरा जरूर पसंद आएगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी वाली साड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।